सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद जय भारत। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के सहयोग से रविवार 26 दिसंबर को RJS TJPS KBS के आज़ादी की अमृत गाथा का 37वां राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। आज़ादी की अमृत गाथा 37 में सेनानी और महापुरुषों को RJS फैमिली श्रद्धांजलि देने का मैं डॉक्टर मीना सकारात्मक सूचना प्रसारण केंद्र पटना बिहार से श्री सत्येंद्र चंद्र मित्रा क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर पार्टी और भारतीय संस्कृति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यों में समान रूप से भाग लेने वाले सत्येंद्र चंद्र मित्रा का जन्म तत्कालीन बंगाल के नौआखली जिले में 23 दिसंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में वकालत आरम्भ की, पर उनका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा देश से विदेशी सत्ता को हटाया था। मित्रा इसके लिए युगांतर पार्टी में सम्मिलित होकर उसकी गतिविधियों में भाग लेने लगे। इस बात का शीघ्र ही सरकार को पता चल गया और उन्हें गिरफ्तार करके 1916 में नज़रबंद कर लिया। वे श्रमिक आंदोलन से भी संबंध रहे। सत्येंद्र चंद्र मित्रा को युगांतर पार्टी के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण सरकार ने 1916 में नज़रबंद करके रखा था। 1919 में सत्येंद्र नज़रबंदी से बाहर आए तो पुनः राजनीतिक एवं क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। इसके बाद सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्हें गिरफ्तार करके 1927 तक म्यांमार की माउले जेल में रखा। सत्येंद्र चंद ने सुभाष चंद्र बोस और देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ 1920 में कोलकाता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भाग लिया। वे राज्य कांग्रेस के पदाधिकारी थे, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए युगांतर पार्टी से भी उनका संपर्क बना रहा। स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1924 में बंगाल काउंसिलिंग के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में सत्येंद्र चंद स्वराज पार्टी के चीफ बने। 1930 की असहयोग नीति से सहमत न होने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बाद में वे 1930 में बंगाल की काउंसिल के सदस्य और अध्यक्ष चुने गए। बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी सत्येंद्र चंद्र मित्रा का 27 अक्टूबर 1942 को निधन हो गया। जय दीन जय भारत। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।